आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर और क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका जीके और जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है कितने क्वेश्चन हम सभी कर पा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेली का पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर जो है वो शेयर कर देता हूं और मैं डेली कोशिश करता हूं कि 20 से 22 मिनट का ही टाइम आप सभी को लूं और एग्जाम से 10 दिन पहले जज करना। ये 20 से 22 मिनट टाइम डेली दे दे करना एग्जाम तक कितना कलेक्शन मेरे पास हो गया। आप ये मत देखो कि डेली कितना कर रहे हैं, आप ये देखो एग्जाम तक आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करवाते हैं। कल 400 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्लास हुआ था, 401 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 401 नंबर। चलो थोड़ा सा ना स्क्रीन को बड़ा करते हैं। चलो 401 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन लिबरल पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन लिबरल पार्टी का स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था 1910 में। नाम एसएन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या मिसेस एनी बेसेंट। आंसर क्या बात है। तबेंदु पढ़े अब्दुल कलाम आजाद कहां से बोल सकते हो भाई, ये कहां से बोल सकते हो 1910। थोड़ा सोचो भी क्या आंसर दे रहे हैं। स्वरूप हुसैन बिल्कुल सही, 1910 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर बहुत लोग मोतीलाल नेहरू भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है बहुत बार। 402 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आप सभी को बताना है। 1892 में ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में ना एमपी ये बन गए थे, उनका नाम क्या है और ये पहले भारतीय थे, बहुत बड़ी बात है। 1892 में अगर कोई भारतीय मूल का आदमी अगर ब्रिटिश में इंग्लैंड में जाकर अगर सांसद बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय जो है वो अंग्रेज का शासन हमारे ऊपर था और उस समय कोई भारतीय अगर जाकर अंग्रेज में ही सांसद बन जाए और आपको बताना ये पहले भारतीय थे तो क्वेश्चन इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या नाम है उनका, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट्स आ रहा है बहुत ज्यादा, दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर डी 110% हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 430 नंबर क्वेश्चन, मसाई या निम्नलिखित में से किस देश की एक जनजाति है, ये आपको बताना है जनजाति। अच्छा जनजाति से एक चीज याद आया, कभी कभी एग्जाम में ना आपसे ये भी पूछता है, श्रीलंका वाला बहुत बार पूछा गया है, श्रीलंका का जो जनजाति है वहां पर क्या है आपका बेदा, या श्रीलंका का यह याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह भी देखने को मिला है, श्रीलंका का जो जनजाति है वहां के लोगों का वो क्या है आपका, वो है आपका बेदा। लेकिन आपको ये याद रखिएगा, लेकिन साथ में ये बताइए हमें कि मासाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। और एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, और एक बार क्या शेयर कर देना कम से कम आप सभी कर दीजिएगा। ए केन्या, डी भारत बोल रहे हैं, आंसर काट दीजिएगा, इंडिया तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए केन्या। 404 नंबर क्वेश्चन, अपने स्कूल के टाइम पर यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ है भैया, ये क्वेश्चन तो हमने आज तक कॉम्पिटिटिव फील्ड में पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ा होगा काफी बार, छोड़ो नहीं पढ़ा भी है ना, स्कूल के टाइम तो पढ़े होंगे ना। सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है, याद करो भूगोल के किताब में तो भाई भर भर कर दिया होगा माउंटेन वाले चैप्टर में, बताओ कैलकैरिस चट्टान, अग्रे चट्टान, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री।
एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कब कराओगे भैया? आप जितने भी ये जीके जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन कलेक्शन आप रखिएगा। आपका जब भी एग्जाम होगा ना, आप बोलिएगा भैया यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं हजार बार बता चुका हूं, जीके जीएस रीजनिंग मैथ रेलवे और आपका एसएससी के लिए सेम है, याद रखिएगा यही सारे टॉपिक आपको वहीं पर भी पढ़ने। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अगला 405 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। बल्ब देखे हैं, ट्यूब में सफेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? भैया कभी तो सोचे नहीं, बस हमारे घर में स्विच दिया गया है, वो टिप देते हैं, लाइट जल जाता है, लेकिन रोशनी उत्पन्न होती कैसी है ये आपको बताना है। सोचिए सोचिए, घर में एलईडी बल्ब होगा ना, लाइट होगा, कोई सा भी बल्ब होगा, उसमें रोशनी जो आती है लाइट, वो कैसे उत्पन्न होता है? तांबा तार के गर्म होने पर, फिलामेंट के गर्म होने पर, परमाणुओं में त्वरण होने बढ़ने से या अणुओं के हिलने से? तो बाकी सी और डी ऑप्शन तो आप बोलेंगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है ए और बी में ही डाउट आएगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए पहले मैंने सी डी हटा दिया है। चलो क्वेश्चन आसान कर दिया आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 420 का क्या, 405 का क्या होगा हमारा बी? फिलामेंट जब गर्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता लाइट क्या होता है, बढ़ने लगता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका हेलोजन, उसमें देखिएगा जैसे जैसे गर्म होगा वो रोशनी बढ़ती चली जाती है। 406 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, न्यूक्लियॉन का एक सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है आपका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सिर्फ, या फिर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? आंसर, रेलवे काफी क्वेश्चन पूछता है, जितने भी साइंस वाले क्वेश्चन है, एनटीपीसी को तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगा ग्रुप डी वाले, कम से कम आप सभी साइंस वाले क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि ग्रुप डी में कम से कम साइंस का वेटेड ज्यादा है वहां पर। एनटीपीसी में जीके स्टैटिक जीके का मात्रा, करंट अफेयर का मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रुप डी वाले साइंस वाले क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस कर देखना। इसका आंसर क्या होगा हमारा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। जो भी आंसर नंबर डी बोल रहे हैं उनके आंसर पर एग्जामिनर उंगली लगा भी नहीं सकता, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी। 407 नंबर क्वेश्चन, नागर हॉल नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, अनगिनत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, नागर हॉल नेशनल पार्क जो है वो कौन से बायो रिजर्व का हिस्सा है? लेकिन पहले ये सुन लो, एग्जाम में अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देना, ये नागर होल नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कहां पर स्थित है आपका? कर्नाटका में। ये याद रखिएगा, नागर होल नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटका में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब ये किस बायो रिजर्व का हिस्सा है ये आपको बताना है, आवरवली, विंध्या, सतपुरा या आपका नीलगिरी बायो रिजर्व? 407 का गुड़िया कुमारी, आप मेरे कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, देखिए नहीं कमेंट्स। जो भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, आंसर आस ए नंबर ऑप्शन गलती है ना, ये गलती है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल ओवी, आंसर नंबर डी बोल रहे हैं। अच्छा एक कमेंट कर बताओ, यह किस राज्य में पड़ता है बताइए, थोड़ा मैं देखूं आप सभी को। इतना तो बता दिया मैंने, नागर होल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में पड़ता है, और ये किस बायो रिजर्व का हिस्सा है? तो आपका नीलगिरी का। अब आपको कमेंट कर यह बताना है कि जो ये नीलगिरी बायो रिजर्व है ये किस राज्य का हिस्सा है, कमेंट कर बताइए। आंसर कर्नाटका बोल रहे हैं आंसर। नीलगिरी कहां का हिस्सा है? अभय श्रीनिवास ओका 12 और 28 कर्नाटका में लोकसभा सीट है, सही है। कर्नाटका तमिलनाडु, तन्मय अवस्थी तमिलनाडु। चलो थोड़ा सा क्लियर कर देते क्वेश्चन को।
एग्जाम में ना, अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन बना तो आप सभी आंसर तो ये बोलिएगा ही बोलिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है नागरहोल नेशनल पार्क का किस राज्य में स्थित है, तो आप आंख बंद कर कर बोलिएगा कर्नाटका। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी जो बायो रिजर्व है यह किस राज्य का हिस्सा है, तो आप बोलिएगा तमिलनाडु। अब एक बात बता दे रहा हूं, जो ये रिजर्व है ना आपका तमिलनाडु केरला यानी कि केरल और कर्नाटका तीनों में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है ना वो तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। इसका नीलगिरी रिजर्व कहां पर है, तमिलनाडु में, लेकिन ये किसका हिस्सा है, तो आपका नीलगिरी का, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला 408 नंबर क्वेश्चन, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है, अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई और पुणे। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए थोड़ा आसान बना देते हैं, ये स्टार्टिंग के दो ऑप्शन मैं काट दे रहा हूं, सी और डी में बताओ आपका आंसर क्या होगा। और मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी यहां के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। ये सब चीज तो याद करवा दिए है ना, हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का जो भी है। चलो मुंबई पुणे, मुझे पता है ना कहां पर आप सभी फंसेंगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आसान नहीं बहुत डिफिकल्ट कर दिया ये स्टार्टिंग के दो ऑप्शन काटकर। ऑप्शन नंबर डी होगा पुणे, मुंबई लग रहा है ना, मत बोलना एग्जाम में। अगर एग्जाम में बोले भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपको लग रहा है माया नगरी बॉलीवुड मुंबई, बिल्कुल गलत। इसका संस्थान कहां पर स्थित है आपका, तो पुणे में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन 409 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, 1919 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय क्या हुआ था ना, भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था अंग्रेज के खिलाफ। कब, 1919 में हुआ क्या था कि ना, जो अंग्रेज लोग हैं, एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ पास कर दिया गया था कि भारत के लोगों पर बिना अदालत गए, बिना मुकदमा चलाए, अगर अंग्रेज के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। यह क्या बात हो गई, मनमर्जी, ना अदालत जाएंगे ना मुकदमा चलेगा, डायरेक्ट अगर आपको लगा कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो जेल में डाल दे रहे हैं। ऐसा कानून पास कर दिया गया था 1919 में, इसके खिलाफ भारत में बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया था, गुस्सा हो गया था। कौन से कानून के खिलाफ, बताओ आंसर। आप सभी इतना समझा दिए, थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए आप सभी को। शोभा, मैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका रॉयल एक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, कोई पूछ भी देगा ना। अच्छा, हालांकि मैंने आपको इस शाम को 4 बजे वाले क्लास में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, सीमन कमीशन, राउल एक्ट, सॉल्ट एक्ट, ये तो सभी को पता है, पीटी इंडिया एक्ट, सबके बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं, कोई अगर पूछ दे तो आप सभी जवाब कम से कम दे सकते हो, ठीक है। अगला 410 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के 10 से अधिक राज्य द्वारा किस नदी बेसिन को साझा किया जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन आज की क्लास का, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और इधर आ जाओ आप हरियाणा, और इधर आ जाओ आप सभी कहां पर, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य में है। कौन सा है, इंदस, ब्रह्म, इंदस तो आप बोल नहीं सकते, ये तो बहुत ऊपर चला गया मैप में, थोड़ा मैप में भी देखा करो आप सभी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर, आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हमारा ऑप्शन नंबर सी गंगा,
बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग रोल एक्ट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने याद दिलाया, बिल्कुल। 411 नंबर क्वेश्चन, तो कम से कम अपने हक के लिए आवाज उठाया करिए, नेता लोगों के भविष्य से ज्यादा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, ये जनता का आवाज होता है, ये एक भारत मां के बेटे का फर्ज होता है। बिहार में चुनाव आ रहा है, पता है ना बिहार में क्या आ रहा है भैया, चुनाव आ रहा है, मजदूर लोग का पैर खून से भर गया था पैदल चल चल कर, याद है कि भूल गए आप सभी, अभी गांव गांव 80-80 स्कॉर्पियो गाड़ी से ना नेता लोग पहुंच रहे हैं वोट मांगने, उस समय ये स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा था, कहां पर था ये सारे गाड़ी उस समय, सवाल पूछिएगा, 5 साल का 10 साल का हिसाब मांगिए था, वरना याद रखिएगा 500 रुपए में अपना वोट बिक्री कर दीजिएगा और 5 साल बैठकर रोइएगा और आपका बच्चा भी रोएगा, याद रखिएगा। एक नेता जब टोपी पहनता है ना तो बाइक से मोटरसाइकिल से कार पर पहुंच जाता है, लेकिन जो जनता है ना वो रेलगाड़ी से जमीन पर आ जाती है, और ये गलती नेता का नहीं है, गलती जनता का है, अपना वोट 500 में बेच दे रहा है। ईमानदार बनिए, इसका आंसर क्या होगा, किस ग्रह की कक्ष में सूर्य में से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ऑप्शन नंबर इसका इतना डाउट आंसर, ऑप्शन नंबर बी को काला कर दो, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए, क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है। 412 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मैं भी बिहार से हूं भाई, आवाज उठाना, जातिवाद मत करना, वरना इस जातिवाद के चक्कर में बिहार मर जाएगा। हम तो बंगाल में रहते हैं, मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है, बहुत इंसल्ट फील होता है भाई कि बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं और उनको गाली दिया जाता है, किसके वजह से, नेता के वजह से, जवाब मांगिएगा, क्या दिया बिहार को तुम लोग, क्या दिया बिहार को, इंसल्ट, मक्कारी, गाली देते हैं लोग बाहर जाते हैं तो, इज्जत नहीं है क्या बिहारी का, जवाब मांगिएगा नेताजी से, वरना स्कॉर्पियो से फॉर्चूनर पर आ जाएंगे वो लोग। निम्न में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है, बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन, आंसर बोलिए इसका, चार सौ बारह का बी, ऊंट, कैमल, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हमारा बी। 413 नंबर क्वेश्चन, 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन का, और काफी बार बना था 18 वाले एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी, आंसर बोलिएगा इसका। और मेरी बात सुनकर यहां पर लोग ना 3-4 लोग डिसलाइक भी कर देते हैं, भाई गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं क्या, बुरा लग गया, नेताजी की बुराई कर दी है तो गलत लग गया, नेताजी घर में पैसा पहुंचा रहे घर चलाने के लिए, बताओ बुरा लग गया मेरी बातों का, जातिवाद कर रहे हो बैठकर बिहार में, बिहार को बदनाम कर रहे हो, हाँ इसी तरह बिहार मरता रहेगा, बिहार के लोग आप ही लोग बर्बाद किए हो, देशद्रोही लोग, आंसर क्या होगा इसका, निम्न में से कौन सा विटामिन खून के थक्के के लिए जिम्मेदार है, बताइए आंसर इसका, हमारा विटामिन के, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला 414 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, अच्छा कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कौन है, बताइए आंसर इसका, किसान के लिए बिल पास कर दिए हैं आपका एमएसपी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है बिल पास करने का, आने वाले दिन में किसान मरेगा देख लीजिएगा, जीतू भैया बोले थे स्टार्टिंग में नहीं मरेगा, एक दो साल तक सही मिलेगा, 3-4 साल जैसे होगा ना किसान मरने लगेगा, देख लीजिएगा आप सभी, इसका आंसर क्या होगा हमारा,
राम विलास पासवान। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, राम विलास पासवान। रोजगार पर बात करिएगा, रोजगार कहां पर है? एग्जाम में फॉर्म निकालकर, अभी बिहार में बहुत सारा फॉर्म निकल रहा है। और ये आज क्या डेट है आपका? आज भैया 7 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है 4:21। सक्सेस की 98 का टीचर जितेंद्र सिंह एक बात बोला था, जितने भी वैकेंसी अभी निकला है ना 2 महीने में, सब अटक जाएगा चुनाव के बाद, फिर 3-4 साल आप रोइएगा, याद रखना। सब वैकेंसी को लटकाएगा ये लोग, नहीं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सच्चाई बता रहा हूं मैं। 405 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो विभिन्न दिशाओं में बहती है वो कौन सी है? चलो ये पहला वाला दो तो काट दो, लेकिन आप सभी को पता है जो मेन नदी है वो तो आपका नर्मदा है, ये सभी को पता है। तो अब आपको, आपके लिए सवाल आसान कर दिए, सोन और बेटवा, इसमें से आंसर क्या होगा? सी और डी में बताइए इसका आंसर। शिवम रजत, नर्मदा और सोन, क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जो भी, ऑप्शन नंबर डी मत बोलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोले, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। 416 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको जानना भी चाहिए। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था को किसने समाप्त की थी? वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? आंसर, 416 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सुभाजीत, आंसर गलती है, नर्मदा और सोन होगा। प्रभति महाली, वैरन हेस्टिंग, जो भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना, उनका आंसर 110% सही है। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को वैरन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 417 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला आदमी कौन था? सीडी देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या आचार्य विनोद भावे? और करेंट में, वर्तमान में यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया, किसको दिया गया है? तो एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार रवीश कुमार जी को, ये याद रखिएगा, प्राइम टाइम लेकर आते हैं ना, उनको दिया गया है वर्तमान में। लेकिन सबसे पहला किसको दिया गया है? ये आपको बताना है। विनोद भावे बिहार में बाहर है। सही है, आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर आपका डी, आचार्य विनोद भावे, सही है आंसर इसका। 418 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का कार्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप सभी को बताना है। लंदन, पेरिस फ्रांस में, बॉन या लायन फ्रांस में? चार सौ अठारह का डी बोल रहे हैं, क्या नाम था इनका? बिल्कुल सही भाई, बिट्टू यादव, अखिलेश्वर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, लायन कहां पर पड़ता है? ये आपका फ्रांस में पड़ता है, यहां पर इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। 419 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज एब्जॉर्ब ऑन विच डे एवरी ईयर? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत कॉमन, अनकॉमन है ना ये दिन, लेकिन बताना है।
अच्छा वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं बताइए, ये सब क्वेश्चन बनता है 4 फरवरी को, ठीक है, ये सब चीज याद कर लीजिएगा आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बात है भाई, इसका भी आंसर दे दिया आप लोगों ने, 419 का डी। पहला कमेंट शिवम का आया है, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर डी 17 जून को, बहुत बढ़िया। 420 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, बोरोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अच्छा बोरोग्राफ से क्या मापते हैं, किसको मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब, सभी को पता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, मेजर करते हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था यह आपको बताना है 420 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा एग्जाम में अगर आपसे पूछ देना कि बोरोग्राफ से क्या मापते हैं तो आप ये मत बोलना भैया आप नहीं करवाए, बता दिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को, याद रखिएगा किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था बताइए। और हां भाई बहुत कम लाइक है, इतने लोग देख रहे हैं, एक लाइक कर दीजिएगा, नेता लोगों के घर से बहुत ज्यादा डिसलाइक आ गया है, 10 डिसलाइक कर दिए हैं, आप लोग लाइक कर दीजिएगा सच्चे देशभक्त बनकर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो मापते हैं, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपका जो हो गलती आंसर आ रहा है भाई। बी और ए यानी ये दोनों में तो किसी को डाउट है नहीं, जो भी डाउट है आप सभी के माइंड में वो आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, तो याद रखिएगा हमारा सही आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए, लुसिन बिड, ये याद रखिएगा जो भी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब का, 7 अक्टूबर का, 28 मिनट का ही समय लिए हैं आज आप सभी को, 4:28 हो रहा है ना, 4:32 तक इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका, सक्सेस जगह छोड़कर की 98, ठीक है, चलिए।